हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया अर्पुस किचन में। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं, इसमें जो चीज़ें लगेंगी वो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होती हैं, तो आज हम उन्हीं चीज़ों से अपना ये रेसिपी बनाएंगे। तो है फ्रेंड, यहाँ मैंने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार, जिसमें मैं डाल दूँगी एक आलू कटा हुआ, बड़े साइज का आलू मैंने कट कर लिया था, और यहाँ दो मीडियम साइज के प्याज मैंने कट कर लिए थे, बड़े बड़े पीसेज में ही आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, और इसे हम बारीक से पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चावल का आटा और 1/2 कप सूजी। आप चाहें तो सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे 4 से 5 कटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, और अब हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च कटा हुआ, और अब हम डाल देंगे इसमें पत्ता गोभी कटा हुआ, सबको हम बारीक कट करके ले लेंगे, और ये घिसा हुआ 1 गाजर, और इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, और नमक स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो हमने बनाया था आलू और प्याज का, इसे भी अच्छे से हम डाल देंगे इसमें, और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो जार में बचा हुआ है इसी में हम 1 कप पानी डाल के उसको भी अच्छे से धो के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ मिक्स कर लिया मैंने, और इसे अच्छे से धो के 1 कप पानी है इसमें मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम 1 कप पानी और डालेंगे, ये टोटल बैटर बनाने में हमें 2 कप पानी लग जाएंगे। आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल हो या फिर ना हो, आप अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हमें ऐसा थिक बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है, जिसमें मैं डालूँगी 2 पिंच हींग, और हींग डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे अपना बैटर, और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए हम पका लेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से पूरा बैटर डाल दिया है, और इसे हम चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे, ताकि इसमें का चावल और जो सूजी है वो अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ा सा फूल भी जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमको इसे चलाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है, और ये देखिए हमारा बैटर जो है थिक हो चुका है। तो इस स्टेज हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर, और इसे थोड़ा सा फैला के और हम इसे ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने फैला लिया है सारे बैटर को, और ये देखिए ठंडा हो गया है, बहुत हल्का हल्का गर्म है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो हाथ में ऑयल लगा के उसके बाद हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे। उसके अंदर मैंने भर दिया है पनीर, अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो आप सिंपली ऐसे भी गोल बना के और इसको थोड़ा सा चपटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया है, और इसको फ्राई करने के लिए फ्रेंड मैंने ले लिया है एक तवा। तवा पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और उसके बाद ये सारे टिक्कियों को हम उस पर रख देंगे, और इसे 2 मिनट के बाद ही हम इसे पलटेंगे। 2 मिनट में ये अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा और तवा को भी छोड़ देगा। तो ये देखिए हमने इसे पलट लिया है अच्छे से, और अगले साइड को भी पकने में 2 मिनट लग जाएगा। तो फ्रेंड हम इसे 1-2 बार और ऐसे पलट वलट के और ब्राउन कलर होने तक अच्छे से इसे क्रिस्पी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसे सिर्फ स्टीम करके भी खा सकते हैं, अगर आपको ऑयली नहीं पसंद है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने दूसरा बैच भी रख दिया है, और इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही इजीली और बहुत ही फटाफट से बनके तैयार हो जाती है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। बारिश का मौसम है तो आप ऐसे इसे सेक के तवे पे और अच्छे से इसे क्रिस्पी बनाकर तो ही इंजॉय करें, या फिर आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं कढ़ाई में। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका टेक्सचर और इसका क्रिस्पीनेस बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। यहाँ मैंने सर्व कर दिया है इसे इमली की चटनी के साथ, आप चाहें तो ग्रीन चटनी या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, बाय।